हेलो बच्चों, कहानी दीदी चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने आपको कर भला तो हो भला कहावत के पीछे की कहानी सुनाई थी। कैसी लगी थी आप सबको कहानी? मज़ेदार थी ना? जिन लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी है, उन सभी लोगों के लिए उस कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप लोग वो कहानी ज़रूर सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे? मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि क्या कभी आपने सोचा है, कर बुरा तो हो बुरा, ऐसी भी कोई कहावत हो सकती है? हाँ बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। और आज मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल सच है। तो कहानी इस तरह से है, एक बार की बात है, एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी के पास कभी कभार ही कोई मरीज आता था, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। अब अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो लोग वैद्य जी के पास जाकर क्या करेंगे? इससे वैद्य जी को अपना परिवार का खर्चा चलाने में बहुत समस्या आती थी। एक दिन वैद्य जी अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे, थोड़ी देर बाद बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा उस पेड़ के कोटर में एक सांप बैठा हुआ है। वैद्य जी सोचने लगे, अगर ये सांप किसी को काट खाए तो कितना अच्छा हो, मैं उसे ठीक करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। तभी वैद्य जी की नज़र सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ी। अब बच्चे तो कितने प्यारे और मन के सच्चे होते हैं, मगर लालच के आगे वैद्य जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने बच्चों के पास जाकर कहा, देखो बच्चों, उस पेड़ के कोटर में मिट्ठू मियाँ बैठे हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो हमेशा कुछ नया कुछ अलग करने में मज़ा आता है। फिर क्या था, जैसे ही बच्चों ने वैद्य जी की बात सुनी, देखते ही देखते उन बच्चों में से एक बच्चा दौड़ा और सीधे जाकर कोटर में हाथ डाल दिया। संयोग से बच्चे के हाथ में सांप का मुंह आ गया। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया और उसने डर के मारे उसको उछाल दिया। नीचे अन्य बच्चों के साथ वैद्य जी भी खड़े थे और वो सांप सीधा वैद्य जी के ऊपर आकर गिरा और उन्हें कई जगह डस लिया। अब गांव में कोई दूसरा वैद्य ना होने की वजह से उनका इलाज कौन करता? इस तरह तड़पते हुए थोड़ी ही देर में वैद्य जी की जान निकल गई। इसीलिए तो कहते हैं, कर बुरा तो हो बुरा। तो इससे बच्चों आपने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, और अगर भला ना भी हो सके तो कम से कम किसी का बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को, ढेर सारी प्यारी प्यारी मज़ेदार कहानियों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली बार एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।